हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10। जस्ट मैंने एक ब्लॉग इंट किया है और ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ब्लॉग अब मैं लगाने जा रही हूँ। फेस एंड बॉडी पैक जो कि है वाव का उबटन फेस एंड बॉडी पैक। मैंने इसका दोनों मंगाया था, स्क्रब भी मंगाया था। स्क्रब तो आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देख लिया। अब मैं लगाने जा रही हूँ फेस पैक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जरूरत है स्किन केयर की। थोड़ा सा क्लीनअप की जरूरत थी मुझे। मैंने हैवी ब्राइडल मेकअप किया था। जब भी मैं करा लेती हूँ ब्राइडल मेकअप या जब मैं खुद ही करती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं जरूर क्लीनअप करती हूँ फेस का, नहीं तो पता नहीं क्यों मेरा फेस काफी ज्यादा डल हो जाता है। और कैसे हो आप लोग बताइएगा जरूर, कौन कौन आया है गुड न्यूज जानने के लिए। तो अभी वेट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप करके मत जाना। कई लोग बोलते हैं दीजिए, आप बोलते हो ना स्किप कर दो तो लोगों को याद आ जाता है। कोई बात नहीं, स्किप करके जाते हो तो भी कोई बात नहीं है। कई लोगों को मेरी बकबक नहीं पसंद है, उनको देखना है तो जाओ देख लो। लास्ट रूम में दिखा दे रही हूँ कि क्या गुड न्यूज है। तो चलो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ। ये है वाव का, जैसा कि मैंने बताया आपसे, वाव का फेस एंड बॉडी पैक है। एंड इसमें है चिकपी फ्लावर, टर्मरिक, सैफ्रन, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल ऑयल होने की वजह से हमारे फेस को काफी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो मस्ट है प्रोडक्ट है गाइज। काफी बड़े से जार में आप देख सकते हो मिल जाता है आपको। क्वांटिटी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्वांटिटी इसकी है नेट वेट 200 ml, प्राइस है इसकी 499, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप चेक कर सकते हो। इसके साथ आपको एक स्पैचुला भी मिल जाता है सिलिकॉन का, तो आप इसकी हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। कुछ इस तरीके से पैक होके आता है एंड आप खुद ही देख लीजिए मैंने इसे कितना यूज किया हुआ है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरा फेस थोड़ा सा वेट है, वेट फेस में ही मैं लगा ले रही हूँ। इसके बाद फिर मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलूंगी। इसे लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। वाह, जो इसमें से ना सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस आ रही है और कच्ची हल्दी की, क्या एक्सप्लेन करूं। बटरी सॉफ्ट है, इजीली देख लीजिए आप, लग सा रहा है। मैं कैमरे में देख के लगा रही हूँ, मुझे मिरर लेके बैठने का शौक नहीं है। तो बस आप चाहे तो निक पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं निक पे नहीं लगा रही हूँ। रीजन तो मैंने मेरे अगले ब्लॉग में बता ही दिया था, पिछले ब्लॉग में, अगले का क्या, पिछले में। तो बस आप चाहे तो थिक लेयर भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसको लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और ये काफी लंबे टाइम तक चल जाना है। इसमें छोटा पैक भी आता है तो आप चाहे तो छोटा पैक भी ले सकते हो। बिलीव मी गाइस, अगर आप एक बार ले लोगे ना तो इसके फैन बन जाओगे। वाव ब्रांड एक अफोर्डेबल रेंज में गुड क्वालिटी का ब्रांड है। गुड क्वालिटी, कई लोग बोलते हैं आप गुड क्वालिटी ना बोला करो, बट मेरा तकिया कलाम हो गया है। तो चलो मैं 15 मिनट के लिए इसे लगा के छोड़ देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गया और ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है। इसमें सैंडलवुड ऑयल है तो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा। मैं ज्यादा देर रखना भी नहीं चाहती हूँ, तो अब मैं मेरे फेस को धुल के आ रही हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर में आपको खुद ही डिफरेंस दिख रहा होगा। सो चलो अब रिव्यू देख लेते हैं। कुछ इस तरीके की है इसकी पैकेजिंग। वाव स्किन साइंस उबटन फेस एंड बॉडी पैक, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, माइंड ब्लोइंग। आप देख सकते हो पैकेजिंग कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको ऊपर ही मेंशन मिल जाएगा, चिकपी फ्लावर, टर्मरिक, सैफ्रन, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल। हेल्प टू टोन, रिफाइन एंड रिवाइव डल स्किन। नो सल्फेट, नो पैराबीन, नो सिलिकॉन, नो कलर, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। नेट वेट है इसका 200 ml, प्राइस है इसकी 499। मैन्युफैक्चरिंग के 2 साल बाद तक आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मेंशन मिल जाएगी। क्रुएल्टी फ्री, 100% वेगन, ग्लूटेन फ्री है। तो इसका बाय लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यूज करने का तरीका तो दिखा ही दिया, आप चाहे तो लिंक के थ्रू जाके ले सकते हो। मैंने 3-4 जगहों का लिंक दे दिया है, ठीक है। रिव्यू तो देख लिया ना आप लोगों ने। अब चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। फिर ले चलती हूँ आप अपने सस्पेंस है, चलो रेडी होके आती हूँ।
सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। ये देखिए, दिखता ही नहीं, 1:30 बज रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, छाले हैं इसलिए अजीब से बोल रहे हैं हम, तो इग्नोर कीजिएगा। ठंडी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए देखो गेटअप मेरा, मैंने थोड़ा सा मोटी वाली कोट पहन ली है। तो चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अंदर चलो। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं, दीप सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अंदर है, हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि बाबू काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो हम इसको लेके पार्क में आ गए हैं। पीछे पार्क बना हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसकी सैतानियाँ चल रही है। अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, अब पेपर्स हैं सारे खींच लेगा तो कोई फर्ज जाएगा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए मैं इसको लेके पार्क में आ गई हूँ। सो गाइज, आज हम लोग आए हैं बुकिंग अमाउंट देने हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो वही बातचीत हो रही है कि कब तक क्या कैसे होगा। यहाँ पर सारी फाइल्स फिल की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तामा झामा होता है, ये करना है वो करना है। मैं तो देखते देखते बोर हो गई थी तो मैं चली गई थी पीछे गार्डन में, और भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो यहाँ पर दीप सिग्नेचर कर रहे हैं, काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं जिसमें सिग्नेचर करना होता है। तो हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल ही गई कि मैंने एक साथ दो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, एक मैंने रेडी टू मूव लिया हुआ है जिसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को मे बी 6-7 दिन बाद दूं, और वो मेरा रेडी टू मूव है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया रेडी टू मूव है। इसमें मैंने ऐसे ही बात चल रही थी तो इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको पैसे का लोड नहीं लेना है, 3 महीने या 2 महीने बाद ही आपको किस्त वाइज देना है, तो इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अभी मैं आपको रेडी टू मूव वाला नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है, 5 बजे बाबू की टीचर आ जाती हैं तो हमें घर पर चलना है। इसके बाद हो सकता है तो मैं आपको 6-7 दिन बाद उसका दिखा दूँ, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, काम चल रहा है उसमें भी रेडी टू मूव वाले में, और कुछ लोग आ जाए तो हम लोग सेट होने चले जाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर दीप साइन कर रहे हैं, तो चलो मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद बात करती हूँ। अब मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आए थे किस प्रॉपर्टी के लिए, और देखो एक साथ दो दो हो गया। तो आज मैं इसकी बुकिंग करा रही हूँ इस नए वाले की, और क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री होगी 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद हम लोग रजिस्ट्री कराएंगे, कोई
पिन कोड ऐसा कुछ आता है, तो जब वो मुझे मिल जाएगा तो रजिस्ट्री कराएंगे। आज हमने बुकिंग अमाउंट दे दी है और सारी डिटेल्स फिल कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं दी हंस क्यों रहे, तो मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि दीप ने मेरी यहाँ पर जो पिक्चर लगाई हुई है फॉर्म में, वो है मैंने एक लुक क्रिएट किया था ना, रिक्रिएट किया था प्रीता का, वही पिक्चर थी। आप लोग फिर से देख लीजिए, दीप भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आप लोग भी खुश होंगे। आई नो आप लोगों को मेरी खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो चलो मैं आप लोगों को घर भी दिखा देती हूँ अभी कितना बना है। एक्चुअली गाइस ये घर नहीं अपार्टमेंट है, ठीक है, मैं घर घर बोल रही हूँ। और इसमें अभी 2.5 से 3 साल का टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, इसीलिए हम लोगों ने ये लिया क्योंकि 2.5 से 3 साल में हम लोग अमाउंट इसका दे देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने में आपको देना है। वैसे इतना बजट तो मेरा नहीं था क्योंकि फ़िलहाल ही हमने एक रेडी टू मूव की प्रॉपर्टी ले ली थी, तो इतना बजट नहीं था। बट हाँ ठीक है यार, हम जो इतने खर्चे करते हैं अगर उसको कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर हम चाह लें, इंसान चाह लें तो सब कुछ कर सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और दीप कर सकते हैं इसी, इसलिए हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। हमारा बड़ा सपना है गाइज, घर चल के आपको बताऊंगी कि क्या सपना है, उसी सपने को पूरा करने के लिए हमने इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारा अपार्टमेंट। सो गाइज अभी ये सिर्फ इतना ही बना है, इस प्रॉपर्टी में 2.5 से 3 साल का टाइम लगेगा अभी, आप देख सकते हो। कंप्लीट होने के बाद इसका ओवरऑल लुक यही होगा गाइज, अच्छा लग रहा है ना, यही चीज़ देख के मैंने इन्वेस्ट की हुई है इसमें। और जहाँ पर ये है ना, आज से 5 साल बाद इसकी कीमत 2 से 3 गुनी ज़्यादा हो जाने वाली है, वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी बोल रहे थे, तो इसीलिए हमने कहा चलो एक साथ दो काम कर लेते हैं, एक पंत दो काज। तो चलो घर चल के मिलते हैं। सो गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग 4 बजे ही घर आ गए थे क्योंकि 5 बजे बाबू की टीचर आती है और मैं नहीं चाह रही थी कि बाबू की स्टडी मिस हो। एक साथ हमने दो प्रॉपर्टी ली हुई है, एक का पजेशन में भी फरवरी तक मिल जाए, वो रेडी टू मूव है और इसका 2023 में मिलेगा। इसमें हमने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसका क्या है कि हमें दो महीने में एक बार पैसे देने होंगे, तो इसलिए हमने ले लिया। और जो हमारा रेडी टू मूव है उसमें हमें इकट्ठे पैसे देने थे। एक्चुअली सच बताऊँ गाइस तो मेरा बिला लेने का मन था, बट बिला कितना बजट मेरे पास नहीं था, इसीलिए हमने जो अभी आप लोगों को दिखाई है प्रॉपर्टी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जब तक मे भी 3 या 4 साल में तो बिला कितना हमें मिल ही जाएगा इसमें। इसमें हम लोग रहने वाले नहीं हैं, इसमें हमने सिर्फ इन्वेस्ट किया है। और आप लोगों को मैं दिखाती भी रहूँगी कभी कितना बना है कितना बना, बीच बीच में आप लोगों को दिखाती रहूँगी। 12th फ्लोर पे है और सारी डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ आप लोगों को, सेफ्टी पर्पज़ का भी ध्यान रखना होता है इसलिए। बट आई एम सो हैप्पी गाइज, अभी आज मैं वहाँ इसलिए नहीं जा पाई, वहाँ पर काम चल रहा था कि हैंडओवर अभी नहीं हुआ है, काम चल रहा था, वार्डरोब वगैरह का काम चल रहा था और टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास। इसलिए मैं आप लोगों को मेरा जो रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी है उसे मैं जल्दी दिखाऊंगी। 3 BHK है लेकिन हाँ इससे छोटा है, इससे कम पैसा लगा हुआ है। और कुछ भी हो यार, अपना घर तो अपना होता है ना। आई एम सो हैप्पी, बरसों पहले मैंने सपना देखा था कि हमारा खुद का घर हो, साईजी ने हमारे ऊपर मेहर करी, हमारा खुद का घर हो गया। अब जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे, जैसे ही हमारी वहाँ जो हमने रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी ली हुई है, जैसे ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे रहने के लिए हम लोग भी चले जाएंगे। तो मे भी फेब्रुवरी तक चले जाएँ हम लोग, फेब्रुवरी तक तो पक्का ही चले जाएँगे। और बाबू का एडमिशन भी मार्च में कराना है। और कई लोग बोलते हैं आप अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हो, तो यार घर पे तो पढ़ाई कर रहा है ना, अभी छोटा है, अभी मैं किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने घर पे ही टीचर रख लिया ताकि उसको बाबू को अच्छी नॉलेज हो जाए, और है भी तो इसलिए मुझे कोई ये नहीं लगा कि यार बड़ा, कई लोग बोलते इतना बड़ा बाबू हो गया आपका अभी स्कूल नहीं जाता, यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा है, अभी से उसके ऊपर हम पढ़ाई का बोझ डाल देते तो उसका बचपन छीन जाता। हम लोग नहीं गए थे, 5 साल के हो गए थे तब गए थे, उससे तो कम ही एज में बाबू जा रहा है ना। और उनकी टीचर आती है, काफ़ी स्वीट है, उनकी टीचर अच्छे से हैंडल करती है सब कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हाँ जल्दी बाबू का एडमिशन भी हो जाएगा मार्च में। तो बस आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव गाइज। एंड हाँ थैंक यू सो मच, इतना प्यार है।